जिसने एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया। देखो जो कोर्सेज देखो कल तक 1.5 लाख 2-2 लाख में मिलते थे, आज वो कोर्सेज सराहनीय। अरे बोलेंगे लाल फूल लीला फूल अलग सर ब्यूटीफुल। हेलो बच्चा जी का बेटा है। सर आज तो आना पड़ेगा। और मैं यही मिस कर रहा था, बहुत बोर हुआ मैं अमेरिका में, बहुत ज्यादा बोर हुआ, बहुत ही ज्यादा बोरिंग जगह लगी मुझे। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, मुझे हर तरफ इंसान दिखने लगे तेजी से, गाड़ियाँ दिख रही हैं तेजी से, ऑफिस में लोग दिख रहे हैं, तो थोड़ा मुझे सुकून मिला। वहाँ बहुत अकेला हो गया था यार, सारा काम खुद से करना पड़ रहा था, यहाँ आके कम से कम काम वाम हो रहा है तो बढ़िया है। और जो सर बता रहे थे सही बात है, सबसे पहले सभी लोग एक साथ बोलेंगे क्योंकि मैं 20 दिन बाद भारत आया हूँ, तो मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा बोलने की अंदर से आवाज़ आ रही है। एक बार सब लोग एक साथ बोलेंगे भारत माता। मैं सही बात है, पिछले 20 दिन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था, और मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान मेरे जैसा कोई इंसान जो भारत की गलियों में बड़ा पला है, जो एक किराए के मकान में रहता है, जिसके लिए घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता है, उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक दिन बुलाएगी और बोलेगी कि यहाँ आके सिखाओ बच्चों को। मतलब मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की कभी कोई उम्मीद नहीं थी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि एक इंसान ऐसा है जो खुद 12th पास करके बैठा है। आज बहुत से यहाँ मेरे साथ छात्र होंगे, देखो जाहिर सी बात है यूपीएससी का रिजल्ट आया है और कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, पर आप में से ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हो जो शायद सेलेक्ट नहीं हुए हो। तो ये भी बताना आपको यहाँ पे बहुत जरूरी है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान 12th पास करके सिर्फ बैठा है उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने यहाँ कैंपस में बुलाएगी और कहेगी बच्चों को बताओ कि आप 12th पास होने के बाद भी कैसे पूरी दुनिया बदल सकते हो। तो आप भी यार अपने ऊपर भरोसा रखना। कितने लोग हैं जिनका इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, पेपर नहीं दिया, कोई ऐसा है यहाँ कोई, और कोई कोई भी रिजल्ट हो, IIT का हो, UPSC का हो, स्टेट का हो, तो भाई मैं इस चीज से शुरू करना चाहूंगा कि मैं वो इंसान हूँ जो हमारे यहाँ 9वीं क्लास में ICSE बोर्ड में फिजिक्स होता था, तो 9वीं क्लास में मैं फिजिक्स में 19 नंबर लाया था, मैं फेल हो गया था। हाँ आपकी तरह एकदम सही बात है, इसी फील्ड में ऐसे ही था मैं। 9वीं क्लास में मैं फिजिक्स में फेल हो गया बुरी तरह से, इसके बाद मैंने IIT का एग्जाम लिखा, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारी तरह अगेन। उसके बाद मैं कॉलेज गया और मैंने सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा और पता नहीं कौन सी मैं कार बनाऊंगा, वो भी मेरी छूट गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी नहीं हो पाई, तीसरे साल में कॉलेज छोड़ गया, वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हारी तरह ना हो तो बेटर है, यहाँ से मैं चाहूंगा। इतना भी रिलेटेबल नहीं होना है भाई, ठीक है। कॉलेज छूटने के बाद मुझे जिंदगी में 2 बार प्रेम हुआ गहरा वाला। क्या बोल रहा हूँ, तीसरी बार और गहरा हुआ बीवी से, सॉरी। हाँ 2 बार मुझे बहुत गहरा प्रेम हुआ, वो होता है ना एकदम कि तुम जान हो मेरी, जहान हो मेरी, वो होता है ना लड़ाई होने के बाद कि बस आखिरी बार, प्लीज एक मौका, प्लीज लास्ट चांस दे दो, अब नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा। हाँ समझ गया, वैसा वाला 2 बार घनघोर मोहब्बत हुई, वैसी मोहब्बत जिसमें आप 10 दिन में वादा कर लेते हो कि शादी करेंगे, 2 छोटे बच्चे होंगे, मेरे जैसा दिखेगा, लड़की तुम्हारे जैसे दिखेगी। हाँ एकदम वैसे ही पूरा माहौल बन गया था, और 2 बार मेरा घनघोर दिल टूटा तुम्हारी तरह फिर से।
स्टैंड अप कॉमेडी होगी भाई ये तो। इसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने गया ऑफलाइन में, और हमने कहा फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स हमने पढ़ाई थोड़ी अच्छी पढ़ाई, तो फिर वहां से निकाल दिया। कोचिंग के जो मालिक थे वो भी फिजिक्स पढ़ाते थे, तो जलन तो हो सकती है, तो वहां से भी हमें बाहर कर दिया गया। और हम बड़ा रोए कि 5,000 की नौकरी चली गई। कहने का मतलब ये है कि आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्जाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया होता गया होता गया होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, दो चीजें मैं बोलता हूँ जीवन में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता, और दूसरी चीज आपके पास उम्मीद, जिसको कोई कभी नहीं मार सकता। होप इज समथिंग दैट कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज होती है उम्मीद। दो चीजें आप अपने पास रखिए, पहली चीज उम्मीद और दूसरी चीज आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। मुझे लगता है यूपीएससी की परीक्षा तो बहुत ज्यादा आपका पेशेंस चेक करती है, बहुत ही ज्यादा। आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओका आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है, और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो। दूसरी चीज मुझे ये भी लगती है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो चाहे आईटी की, आईटी की तैयारी कितने लोगों ने की है यहाँ पे, ठीक है, कितने लोगों का निकल भी गया था ऐसा कोई? वाह, निकल गया ना, मतलब बहुत गया, पेपर निकल गया नहीं निकल गया, मतलब पेपर निकला। हाँ, तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी, और आईआईटी की तैयारी से मेरा आईआईटी में चयन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं पहुंचा आईआईटी के अंदर। फिर कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या वो आईआईटी की तैयारी आपके लिए बर्बाद हो गई क्या?